बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकी बनाने की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी चिकी। यहाँ पे मैंने ले लिए एक प्याली मैंने चीनी ले ली है और एक ही प्याली मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम बहुत महंगे हो गए हैं, आप थोड़े भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे ऑयल लगा लें और बेलन पे भी। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने ऐड कर दी चीनी। चीनी का हमने कैरेमल बनाना है। कैरेमल बनाते हुए आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। चिकी में शाइनिंग बहुत मज़े की लगती है। इसको बनाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट्स हो चुका है और इसका कैरेमल बन चुका है। कैरेमल बनने के साथ ही इसमें आप ऐड कर दें बादाम, और बादाम को थोड़ी देर के लिए कुक कर लें। ज़्यादा देर कुक नहीं करना है वरना इसकी चिकी का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा। हमें थोड़ा लाइट ब्राउन रखना है ऐसा ही। अब हमने जो प्लेटफॉर्म पे ऑयल लगाया है हम अपनी चिकी उस पर डाल लेंगे और उसको चम्मच की मदद से या बेलन की मदद से आप इसको गरम गरम सेट करें। ये ठंडा होने पे जम जाएगी फ़ौरन से। अब मैं इसको स्पून की मदद से थोड़ा हल्का हल्का फैला रही हूँ और थोड़ा बेलन के साथ भी सेट करूँगी। ये देखिए ये बहुत जल्दी से स्टिकी होना शुरू हो जाती है। ये अब मैं इसको फैला रही हूँ। फैलाने के बाद इसमें आप जल्दी से कट लगा लें जिस हिसाब की आप लोगों को चिकी बनानी है। चिकी बनाने के बाद मैंने थोड़ा बेलन से भी सेट किया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। कितनी मज़े की लग रही है हमारी आज की ये बादाम की चिकी है। तो बहुत महंगी लेकिन बहुत मज़े की लग रही है। आप ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इन्जॉय करें क्योंकि सर्दियों में खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है। तो ये चिकी बना के रखें और इन्जॉय करें। तब तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।